Hey guys, this is your boy Fakhar Peer Zada back with another video. Welcome to Padhai Wala channel. So, आज हम part 2 बनाने जा रहे हैं biology and the major fields of specialization का. अगर आपने पहला video नहीं देखा जिसके अंदर मैंने 20 MCQs को cover किया था तो link description में है, उसको जाके देखें. So, without wasting your time, आज हम 20 MCQs की तरफ चलते हैं. So guys, MCQ number 21, इसके अंदर है by which technique it is shown whether a certain nutrition is essential, मतलब essential पता करना है कि कौन सा जो है वो nutrition essential हो, तो उसके लिए कौन सी technique use की जाती है. तो इसके अंदर यार ये simple है, hydroponic technique use की जाती है जब हमें पता करना हो कि कौन सा जो nutrition है वो plant के लिए ज़रूरी है. तो इसका answer होगा hydroponic technique, और बाकी जो है वो कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिससे हमें पता कर सकें कि कौन सा न्यूट्रिशन के लिए यूज़ होती हो. अब 22 जो है वो इसके अंदर है विच ऑफ द फॉलोइंग वेज एड्स कैन बी स्प्रेड. तो कौन कौन से वेज हो सकते हैं जिससे एड्स जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एड्स जो है वो स्प्रेड हो सकता है, कंटेमिनेटेड सिरिंजेस से भी हो सकता है, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से, यानी तीनों से हो सकता है. इसका आंसर मतलब ऑल ऑफ द अबव होगा. सो गाइज, एमसीक्यू नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए कौन सी थेरेपी यूज़ होती है? तो जाहिर सी बात है कीमोथेरेपी यूज़ होगी, क्योंकि एंटीबायोटिक्स वैक्सीनेशन वगैरह यूज़ ही नहीं होती, तो ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, तो कीमोथेरेपी यूज़ होगी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए. 24th है विच ऑफ द साइंटिस्ट फर्स्ट डिस्कवर्ड द टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन. कौन सा ऐसा साइंसदान था जिसने वैक्सीनेशन की टेक्निक को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया? तो इसके अंदर शेलन शॉन नहीं है, मॉर्गन नहीं है, पास्चर नहीं है, एडवर्ड एंड जेनर जो थे उन्होंने इस सबसे पहले से डिस्कवर्ड किया था वैक्सीनेशन को. 25th इज क्लोनिंग इज अ टेक्नोलॉजी फॉर अचीविंग डिफरेंट एनिमल्स यूजेनिक एम्स या डाइवर्सिटी, ऑल ऑफ द अबव. तो क्लोनिंग किस लिए यूज़ की जाती है? क्लोनिंग डिफरेंट एनिमल्स के लिए भी यूज़ नहीं की जाती, सही है कि वो डिफरेंट एनिमल्स प्रोड्यूस हो, डाइवर्सिटी के लिए भी नहीं होती, तो ऑल ऑफ द अबव का तो ऑप्शन होगा ही नहीं. एंड में बचा यूजेनिक एम्स, मतलब सेम नॉर्मल ऑफस्प्रिंग आने चाहिए जो एक जैसे हों, तो इसका आंसर होगा यूजेनिक एम्स. अब नंबर 26 है मैन इज़ लाइकली टू अडॉप्ट क्लोनिंग टेक्निक्स फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल एनिमल्स. इसके अंदर किस लिए जो क्लोनिंग की जाती है? वो इसलिए की जाती है ताकि नॉन पेडिग्री हासिल हो सके, ताकि जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो. तो इस सो एमसीक्यू नंबर 27, स्पीशीज़ विच आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीशीज़ को क्या क्या कहा जाता है? इंडेंजर्ड स्पीशीज़, वल्नरेबल स्पीशीज़, एंडेमिक स्पीशीज़ या नन. तो नन तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई एक नाम होगा. एंडेमिक नहीं कहते, वल्नरेबल नहीं कहते, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहा जाता है जो एक्सटिंक्ट होने वाले होते हैं. तो इसका आंसर हो गया एंडेंजर्ड स्पीशीज़. अब चलते हैं 28 की तरफ. ऑल द मेंबर्स ऑफ क्लोन आर जेनेटिकली क्लोन किस लिए कहा जाता है? कि आइडेंटिकल ट्विन्स आए, तो आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए क्लोनिंग की जाती है. बाकी ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो खुद ब खुद ही रॉन्ग हो जाते हैं. सो गाइज, एमसीक्यू नंबर 29, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक इज़ यूज टू टेस्ट. ये न्यूट्रिएंट्स के लिए यूज़ होती है, तो हम सब ने पढ़ा हुआ है. तो इसके लिए आपको थोड़े से अपने नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे सेकंड ईयर वाले, लेकिन ये हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक जो यूज़ होती है वो यूज़ होती है न्यूट्रिएंट्स को मालूम करने के लिए जो सॉइल के अंदर हो, ताकि प्लांट्स को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आराम से मिल सकें. अब 30th एमसीक्यू है, प्लांट्स हैविंग फॉरन डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर सेल्स इज कॉल्ड क्लोन प्लांट्स, ट्रांसजेनिक, हाइड्रोपोनिक या टिश्यू कल्चर टेक्निक. अब जबकि जब फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेट है तो उसको ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहा जाता है. ये चीज़ याद करने वाली है, आपने पढ़ा हो सेकेंड ईयर में, तो इसका आराम से, इतना कोई मुश्किल एमसीक्यू नहीं था. इसके अंदर ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहा जाता है जिनके अंदर फॉरेन डीएनए को इनकॉर्पोरेट करवाया जाए. सो गाइज, एमसीक्यू नंबर 31, मैनिपुलेशन ऑफ जीन इज कॉल्ड, जीन के साथ जो मैनिपुलेशन की जाती है उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है. इसके अलावा और कोई इसके अंदर मैच नहीं करता, जेनेटिक इंजीनियरिंग ही है जिसके अंदर जीन के अंदर आगे पीछे किया जाता है. अब एमसीक्यू नंबर 32, ये बहुत इजी एमसीक्यू था, इसके अंदर कोई मसला नहीं. अगर आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग की आपको डेफिनेशन पता है तो आप आराम से कर लेंगे. तो 32 एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स हेपेटाइटिस वायरस इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बॉडी. तो ह्यूमन बॉडी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए भी हेपेटाइटिस वायरस चला जाता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, अनस्टेराइल और कंटेमिनेटेड सिरिंजेस के जरिए भी, यानी तीनों के जरिए ही
HIV और हेपेटाइटिस वायरस जो है वो स्प्रेड करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। तो हमेशा जब भी ऑल ऑफ द अबव वाला कोई ऑप्शन आए तो पूरे सवाल को दोबारा से पढ़ें कि क्या पता तीनों ऑप्शंस ही सही हों या तीनों ऑप्शंस ही गलत हों, तो ऑल ऑफ द अबव को आपको टिक करना पड़े। सो गाइज, MCQ नंबर 33, एन ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेज ऑब्जर्वेशंस इनटू डेटा फॉर्म एंड गिव्स अ स्टेटमेंट एज पर एक्सपीरियंस, हिज स्टेटमेंट इस कॉल्ड, एक्स पर एक्सपीरियंस हो रहा है तो उसका जो भी ऑब्जर्वेशन होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी हाइपोथेसिस, क्योंकि वो डिडक्शन भी नहीं है, क्योंकि दूसरा साइंटिस्ट आगे कोई उसमें कमी बेशी नहीं कर रहा है, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है वो, उसने बोला ही नहीं और रीजनिंग भी नहीं दे रहा, बल्कि उसने तो ऑब्जर्वेशन की है, तो वो बनता है हाइपोथेसिस। अब 34 MCQ है, कम्युनिटीज़ आर डायनेमिक ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन, कम्युनिटीज़ डायनेमिक क्यों होती हैं, वो होती हैं लिविंग थिंग्स की वजह से, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को एबायोटिक फैक्टर कहते हैं। तो बायोटिक फैक्टर और बाकी बोथ एंड बी और नन तो कैंसिल ही हो गया, एबायोटिक फैक्टर यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स और लिविंग थिंग्स की वजह से कम्युनिटीज़ डायनेमिक होती हैं। सो गाइज, MCQ नंबर 35, इसके अंदर पूछा गया है ब्रांच कनेक्टेड विद स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर से कनेक्टेड जो ब्रांच है उसको क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी नहीं कहा जाता, हिस्ट्री पढ़ी जाती है सेल की, कैरियोलॉजी न्यूक्लियस, सेल बायोलॉजी नहीं कहेंगे, साइटोलॉजी, साइटो मीन सेल और लॉजी मीन स्टडी, इसका आंसर साफ साफ होगा साइटोलॉजी, साइटोलॉजी की डेफिनेशन भी यही है। सो MCQ नंबर 36, एन इंडिविजुअल लिविंग थिंग कम्पोज ऑफ मैनी सेल्स इज कॉल्ड, बहुत सारे सेल्स से एक इंडिविजुअल बना हुआ है तो उसे यूनिसेल्युलर तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, जब ये नहीं कहेंगे नन तो है नहीं, ए दो आंसर हो सकते हैं, बोथ एंड बी भी नहीं हो सकता, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उसे कहा जाता है, उस इंडिविजुअल को जो कि कंपोज हुआ हो बहुत सारे सेल्स से मिलकर। सो MCQ नंबर 37, अ फॉसिल इज अ, फॉसिल होता क्या है, लेबॉरेटरी प्रिजर्व्ड एनिमल नहीं होता, ये तो वैसे गलत हो गया, स्टफ्ड एनिमल बिल्कुल नहीं होते, स्टफ्ड एनिमल, डेड एनिमल्स ऑफ पास्ट ये थोड़ा जानदार लग रहा है, और ऑर्गेनिक रिलेक ऑफ पास्ट, यार देखो डेड एनिमल्स हो सकते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिकम्पोज हो चुके होंगे तो उसका ऑर्गेनिक मैटर बाकी बचा होगा, तो इसलिए हम इस वाले ऑप्शन को लेकर जाएंगे, इसको फिर भी रॉन्ग करेंगे कि ऑर्गेनिक रिलेक ऑफ पास्ट यानी ऑर्गेनिक मैटर जो हैं पास्ट के वो हो सकते हैं फॉसिल्स। तो MCQ नंबर 38 है, स्टडी ऑफ टिश्यू या माइक्रोस्कोपिक एनाटमी इज टर्म्ड एज, क्या कहते हैं, इकोलॉजी तो नहीं कहते इसे, और एनाटमी भी नहीं कहते, एनाटमी तो ह्यूमन बॉडी के जो कटिंग पार्ट्स होते हैं उसकी स्टडी को कहा जाता है, साइटोलॉजी तो सेल स्ट्रक्चर की स्टडी को कहा जाता है, तो हिस्टोलॉजी होगा जो कि माइक्रोस्कोपिक एनाटमी को स्टडी किया जाता है उसको कहा जाता है हिस्टोलॉजी। सो गाइज, MCQ नंबर 39, बैक्टीरिया कैन बी किल्ड बाय, किससे बैक्टीरिया मर जाता है, तो इम्यूनाइजेशन, चलो उससे मरता नहीं है, उससे तो रेजिस्टिविटी पैदा होती है, वैक्सीनेशन से भी रेजिस्टेंस पैदा होती है, एंटीबायोटिक्स से बैक्टीरिया किल होता है, तो इसका आंसर सिंपल था कि एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, बैक्टीरिया कैन बी किल्ड थ्रू एंटीबायोटिक्स। अब MCQ नंबर 40 की तरफ चलते हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की कहलाती है वो कहलाती है माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि मरीन बायोलॉजी जो है वो मरीन एनिमल्स, सोशल बायोलॉजी जो सोशल डिस्टेंस वगैरह और सोशल हमारे ताल्लुकात हैं उससे रिलेटेड है, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, तो डायरेक्ट माइक्रोबायोलॉजी वही माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की स्टडी के ऊपर डिपेंड करती है, उसी स्टडी को कहा जाता है, तो इसका MCQ का आंसर हो गया माइक्रोबायोलॉजी। तो गाइज, आज हम लोगों ने कर लिए हैं 40 MCQs बायोलॉजी एंड द मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन के, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के दो दो पार्ट्स में डिवाइड की हुई 20 MCQs की वीडियोस को देखेंगे, तो तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।